नमस्कार दोस्तों, आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ जो कि ये पोको ज़ियोमी का ही कंपनी है। और जब से ये मार्केट में आया तब से बहुत सेल हो रहा है। इसकी एक अलग ब्रांड बन चुकी है, जैसे कि ओप्पो का रियलमी था, ऐसे ही ज़ियोमी यानी एमआई का पोको फ़ोन है। आते ही बहुत सेल हुआ मार्केट में और आज भी डिमांड है। 2018 में ये लॉन्च हुआ था, लेकिन उस टाइम बहुत ज़बरदस्त फीचर्स थे, इसकी वजह से आज तक ये मार्केट में टिका हुआ है। और मैंने ये 18,000 में परचेज किया है। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके साथ क्या क्या आया। तो ओप्पो F1 जैसा कि दिख रहा है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि ओप्पो F1 MI के द्वारा ही बनाया हुआ है, और इसमें 845 AIE क्वालम स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर है। 2.8 GHz की और लिक्विड कूलिंग सिस्टम है, जो कि उस टाइम बहुत ट्रेंड में था, आज भी चल रहा है अभी लिक्विड कूलिंग तो। और डुअल कैमरा है, और इसका फ्रंट में जो फ्रंट कैमरा है वो 20 MP का है। 4000 mAh का हाई कैपेसिटी बैटरी है, और USB 3 चार्जिंग है जो कि 30 वाट का है, बहुत फास्ट चार्ज होता है। और इसमें मतलब दो ट्रे हैं, या तो आप दो माइक्रो सिम यूज कर सकते हैं, या फिर एक हाइब्रिड यानी कि एक सिम और एक ये मेमोरी कार्ड डाल के आप चला सकते हैं। और इसका एक फीचर्स ये था कि जब ये आया था ना, तो ये फर्स्ट फोन था आई थिंक जिसमें डुअल सिम में वोल्टी था, VoLTE। और इसका डिस्प्ले है वो 6.18 इंच का है, Full HD डिस्प्ले है। प्रोसेसर मैंने बोल ही दिया है, और वाईफाई है 2.2 MIMO MIMO, रिवर्सिबल USB Type-C है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, और आर्मर्ड एडिशन है जो सबसे महंगा रहता है, और 8 GB 256 GB यानी कि 8 GB रैम है, और 256 GB इसमें इंटरनल मेमोरी है। तो मोस्ट ऑफ द फीचर्स मैंने बता दिए हैं, चलिए ओपन करते हैं क्या है इसके अंदर देखा जाए। ये तो एम्प्टी बॉक्स है, साइड में रख देता हूँ। और इसके साथ ये आया है जिसमें कि ये सिलिकन का कवर है, बहुत ही सॉफ्ट है, और ये प्रोटेक्ट करता है आपके मोबाइल को, मीन्स गिरे तो जर्क नहीं लगेगा। इसको भी साइड रखते हैं। और ये एक यूज़र गाइड बोल सकते हैं, और एक ये क्विक प्रोसेस है यूज़र गाइड, और ये उसका कुछ और डिटेल होगी। यूज़र गाइड ये है, इसमें बताता है ये हाइब्रिड सिम वगैरह, और USB Type-C सपोर्ट, और MIUI पोको F1 कम्स प्री इंस्टॉल्ड विद MIUI। सो ये तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात हो गई, अभी तो इसमें कुछ नहीं है। और अब आते हैं मेन मुद्दा हमारा फ़ोन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फ़ोन एक प्लास्टिक का कवर में रैप होके आ गया है, और पोको F1 क्वालम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, लिक्विड कूलिंग सिस्टम, और डुअल कैमरा 20 MP फ्रंट कैमरा, 4000 हाई कैपेसिटी बैटरी, और पावर्ड बाई Xiaomi। इसका बैक साइड का लुक बहुत ही अट्रैक्टिव है, इसको जब निकालेंगे तो आपको ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है। मैंने जस्ट IMEI नंबर ना भूल जाऊँ इसके लिए ये
रखा जाता है, और इसमें क्लियर लिखा है डोंट डीअसेंबल दिस डिवाइस। तो फोन मेरा मेन मैटर है, इसको थोड़ा साइड रखते हैं और दिखाते हैं क्या क्या आया। ये फोन का कवर है, ये यूएसबी टाइप सी चार्जर है, और इसका अडेप्टर है चार्ज केबल का, और इसके साथ एक ये क्या नाम है ट्रे का, जो ट्रे एजेक्टर पिन आती है वो आती है, और इसको हम वापस रख देंगे। इसके साथ और तो कुछ नहीं है, बस इतना ही है। तो ये एम्प्टी बॉक्स है, तो आपका ये चार्जर का अडेप्टर, ये यूएसबी केबल, और ये फ़ोन का कवर, और ये इसका बैक कवर का कवर, और ये यूजर मैनुअल, ये आपका टॉप बॉक्स बॉटम बॉक्स। और अभी हम इसमें देखेंगे क्या क्या इसके साथ फीचर्स हैं। मैं इसको निकाल दे रहा हूँ। देखिए क्वालिटी वाइज तो फोन बहुत अच्छा है, जैसा कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले यहाँ तक है, इधर जस्ट ये बीच में है जो नॉच टाइप का, और अभी हम आपको दिखाएंगे इसके फीचर्स क्या क्या हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पोको F1 है, MIUI 10.08, और 256 GB का इंटरनल स्टोरेज, और डिवाइस नेम है वो तो आप चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में और मेमोरी रैम किधर दिखेगी, रैम 8 GB है, तो ये तो इसके फीचर्स रहे। और आप एडिशनल सेटिंग में जाना चाहते हैं, वो सारी डिटेल इधर है। बहुत स्मूथ चल रहा है, फिंगर सेंसर है बैक साइड का, ऑन ऑफ करके रख सकते हैं, मैंने ऑफ करके रखा है अभी। और तो देखने में बहुत अच्छा फ़ोन लग रहा है, अट्रैक्टिव है, और स्मूथ ऑपरेशन है, और इसमें हीट होने का चांस नहीं क्योंकि लिक्विड कूलिंग है, और बैटरी भी 4000 mAh की अच्छी बैटरी है, तो मीन्स 18,000 वर्थ फ़ोन है। फिनिशिंग तो इतना अच्छा है, जस्ट इतना क्या है कि इसका थोड़ा कैमरे में लोग इशू बोल रहे थे, तो हम कैमरे का फ़ोटो भी दिखा देते हैं। आई थिंक सेटिस्फैक्ट्री है, कैमरा ज़्यादा अच्छा नहीं तो ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री है। और थोड़ा फ्रंट कैमरा और देख लिया जाए, ये तो, और जूम 8x जूम है इसमें, जैसा कि इधर दिख रहा है, और फ्रंट कैमरा देख लिया जाए, ये आपका फ्रंट कैमरा है 20 MP का, अच्छा क्वालिटी है, ख़राब नहीं है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पोको का अभी M2 Pro एक नया फ़ोन लॉन्च हो रहा है 7 जुलाई को, जो कि बहुत अच्छा बजट में फ़ोन है, फीचर्स बहुत अच्छे हैं, और इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं उसको। थैंक यू दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, क्योंकि मेहनत पड़ती है बनाने में।